हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने स्थानीय नेशनल मुकुंद लाल कॉलेज में नव निर्वाचित जिला परिषद पंचायत समिति तथा सरपंचों के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उनसे सीधा संवाद किया। सम्मेलन में संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि सरकार द्वारा गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिनमें ग्राम सचिवालयों के आधुनिकीकरण, गांव में कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 2 लाख से ऊपर के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग, गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंधन, पौधारोपण करके गांव हरा भरा करना, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य योजना, ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन, ई लाइब्रेरी, आधुनिक इंडोर जिम तथा महिला सांस्कृतिक केंद्र आदि शामिल है। उन्होंने कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें गांव में निष्पक्षता में भाईचारे के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की साझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों से मिलने वाले प्रस्तावों को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाने का काम करें। सम्मेलन में विकास एवं पंचायत मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को जिला जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करते हुए विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। पंचायतें बनी हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है, जिला स्तरीय जो जन संवाद प्रोग्राम को मैं कहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा सरकार के लिए नई परंपरा, इसको आप कह सकते हो। आपने देखा होगा भावना के साथ चुनाव में, उसके बाद जो सब समारोह माननीय हमारे उनके मार्गदर्शन में गाँव गाँव में हमने सरपंच को अब तक की मैं ये कह सकता हूँ कि अलग पहल थी। इसी प्रकार आज सरकार प्रतिनिधि तक पहुँची है और जो डेवलपमेंट को लेकर जो हमारी पंचायतें हमारे पंच सरपंच बने हैं छोटी सरकार जिसको कहते हैं, समितियाँ बनी हैं जिला सदस्य उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, अपनी अपनी को ड्यूटी निभाते हुए हम सब चुने लोग थे इसमें हमारे विधायक, हम जो मूलभूत सुविधाएँ जनता को हमने ग्रामीण अंचल में देनी है, जो हम बार बार शहरीकरण की बात करते हैं, जो पैसा डेवलपमेंट का है, आज मैं मेरे सभी चुने साथियों से हमारे पंचायत परिवार से अनुरोध करने आया था कि हम मिलकर उन सुविधाओं को काम करके जाएँ और उन सुविधाओं का लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल को। सर जैसा मामला है ये शहर पर्टिकुलर मामला है, दे दिया ब्लॉक पड़ता सर राधो शहर गांव का, आप उसको लेकर दीजिए, उसको दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। पर्टिकुलर अगर कहीं कोई ऐसी इक्का दुक्का कोई शिकायत है और वो कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको आने वाले समय दुरुस्त करें। वो एक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया में जहाँ पर शिकायत है उसकी जानकारी है, उसमें अगर कोई मान लीजिए कोई कोताही होगी तो उसको कानून का काम करेंगे। सर गाँव आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत सी चीज़ें आप सिस्टम में आई हैं, ऑनलाइन हुआ है। आप हमारे बुढ़ापा पेंशन को देख लीजिए, पहले मैनुअल बनती थी, अब ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक लोगों को आपको कहीं लाइन में इसलिए खड़ा होना पड़ा, धक्की नहीं खाने पड़ेगा। इसी प्रकार अब चिराइयो आयुष्मान कार्ड है, सरकार ने पुनः वितरण करके घर पर बना के भेजने का काम किया। इसी प्रकार जो बी पी एल की जो शिकायत है उसको भी परिवार पैसा दे सकते हैं, इनकम क्राइटेरिया को फुलफिल करते परिवार है, उनको हम घर तक देने का काम करेंगे, वो लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे और उनका जो परिवार पहचान पत्र कार्ड होगा वही अपने आप में आपका बी पी एल में कवर करते हैं, वो कार्ड होगा, वो जाकर अपना अकाउंट दिखाएंगे और उसके अंदर लिमिट होंगे, वो उससे जो लाभ है उनकी सुविधा वो पाएगा। संतुष्टि ऐसा नहीं है, नहीं होती, होती है। हाँ इक्का दुक्का रहता है, अपनी बात रखने का राइट है और अति महत्वाकांक्षी नहीं, महत्वाकांक्षी जिंदा रहनी चाहिए, महत्वाकांक्षा रहेंगी तब हम प्रोग्रेस की तरफ पर की तरफ बढ़ेंगे और सरकार अपना काम ईमानदारी से निष्ठा से करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस का काम करना चाहते हैं। पूरी हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारी गठबंधन में आज सरकार है, हमारे हम सब लोग जो चुने प्रतिनिधि हैं, यही आह्वान करने के लिए आखिरी छोड़ बैठे परिवार के देने सर जब यहाँ आए हैं जीरो टॉलरेंस का पार्टी बढ़ा है, उसमें यदि सरपंच काम करता है, विपक्ष डराता है, उसे विजिलेंस का डर रहता है या कोई काम करना चाहता है उसको भी, क्योंकि राजनीति रहती है गाँव में, विजिलेंस का डर ही खत्म होगा। जो हम ये ई टेंडर के माध्यम से काम करवाएंगे वो एक कमेटी बनेगी, उसमें पहले जो इंटेंसली अगर कोई करवाना चाहता था सरपंच के खिलाफ या वो कर लेता था दोनों बातें, इसी प्रकार कोई अधिकारियों ऊपर पे जो एलिगेशन है कर्मचारी को छोटे लेवल पे ऊपर लेवल पर अभी टेंडरिंग के माध्यम से एक तो काम की क्वालिटी आ गई, क्योंकि जो पी डब्ल्यू डी बी एन आर के रेट हैं वो रेट आज पंचायतों में डेवलपमेंट के वर्क को मिलेंगे और उससे काम में गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी आएगी और जो ये
निराधार, कई बार निराधार भी लग जाते थे, उनसे भी हमारे जो चुने प्रतिनिधि बचे। सर बेसहारा उसमें बिल्कुल देखिएगा, कब्जा तो किसी चीज पर भी किसी का राइट नहीं है, देश का कानून लागू नहीं करता उसमें, जो कानून करता है।